नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मैंने 2.5 लाख रुपए की राशि आस्था, मेरी कर्म स्थली है, मैं यहां से सांसद रहा इसीलिए और राजनीति से ऊपर उठकर सेवा भाव के उद्देश्य से दी है और मेरा मुख्यमंत्री और प्रशासन से आग्रह है कि तत्काल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करा दीजिए। अरे आप खुद ले लेना, मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ हमारे क्षेत्र के लोगों की जान बच जाए और उन्हें ऑक्सीजन मिलने लगे, यही मेरी भावना है। अब विश्वास सारंग को देखिए, उनको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी खुद की सरकार ने नियम संशोधित किए हैं कि कोई भी विधायक मध्य प्रदेश में कहीं भी राशि दे सकता है, तो उनको अपनी सरकार के नियम पता नहीं ही है, उनको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा, सीहोर से पंकज पंजवानी की रिपोर्ट। यही जवाब है कि एक दृष्टिहीन, जिसका कोई दृष्टिकोण नहीं, ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में इस समय है। ना प्रशासनिक पकड़ है शिवराज की, ना कोई आईएएस, ना कोई अधिकारी उनकी बात मानते नहीं है। कालाबाजारी भी होगी, ब्लैक मार्केटिंग भी होगी और नकली दवाओं का उत्पादन भी होगा, ये सारी बातें। सर, आपकी राशि की घोषणा के बाद जिस तरह का आवेदन पत्र आरोप लग रहा है और जो प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद अब आगे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके माध्यम से, समाचार पत्र टीवी चैनल के माध्यम से, मैं प्रदेश की जनता को दिखाना चाहता हूँ कि राशि आए, इतना समय हो गया आस्था में भी, सोनगढ़ में क्यों उस राशि का उपयोग जनता की जान बचाने में क्यों खर्च नहीं किया जा रहा है, क्यों ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई हो रही, क्यों आप जनरेटर सेट ले लो ताकि बिजली चली जाए, क्योंकि बिजली भी कटौती सरकार कर ही रही है, बिजली चली जाए तो जनरेटर चालू रहे, उससे लोगों की हम जान बचा सकें। तो आपके माध्यम से हम जनता को जागृत करना चाहते हैं कि देख लीजिए, क्या हमारा पैसा अछूत है? क्या क्या एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य से शिवराज की सरकार या कई कलेक्टर आए और चले गए, ये लोग हमें क्या रोक सकते हैं सेवा करने से? तो जनता को उठ के खड़ा होना होगा। मैं लठ लेके शिवराज के घर नहीं जा सकता, विश्वास सारंग को मार नहीं सकता, कलेक्टर सीहोर को मैं लठ लेके दबाव डाल नहीं सकता। यदि शर्म होगी उनमें, आपकी टीवी चैनल और अखबार वो खबरें छापेंगे और दिखाएंगे, यदि शर्म होगी कि मुख्यमंत्री के जिले में इतनी बुरी अवस्था है, हो सकता है कि कार्रवाई जल्दी हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। और मैं तो बोल दिया, विश्वास सारंग जो भी जिसको नारियल फोड़ना, भाई आओ, भूमि पूजन करो, उद्घाटन कर लो, हम यहाँ झांकने भी नहीं आएंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन प्लांट तो लगा दो, वो सुविधाएं तो उपलब्ध करा दो। ये सर, क्योंकि आप कांग्रेस के विदेश के वरिष्ठ नेता हैं और अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण काल में दमोह का उपचुनाव संपन्न हुआ, इसमें कांग्रेस जीत हासिल करी, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी जीत को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल सही मान के चलिए कि मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को फेल्यूर माना जा रहा है, शिवराज चौहान की सरकार को मध्य प्रदेश में फेल्यूर माना जा रहा है। ये सत्ता के लोलुप लोग हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज, बड़े बड़े भाषण, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके बंगाल में, असम में, केरल में, जाने कहां कहां, कर्नाटक में भाषण देते फिरे शिवराज, दमों में पूरा मंत्रिमंडल लेके पड़े रहे, आज सबसे ज्यादा दमों में कोरोना, ये देन भाजपा की है, नरेंद्र मोदी और शिवराज की है कि कोरोना का इतना संक्रमण जो फैला है, तो जनता ने अपना आक्रोश निकाला कि मुख्यमंत्री ने कहा था पिछले साल जब कोरोना फैला कि मैं 21 ऑक्सीजन प्लांट बना दूंगा आने वाले समय में, साल भर में एक प्लांट बड़ी मुश्किल से अभी होशंगाबाद तरफ, और कोई भी नया हॉस्पिटल डेवलप नहीं हुआ,
कोविड सेंटर बनाने की कोई पहल नहीं। जब लोग टप टप करके मरने लगे, एक एक घर में चार चार मौतें हो रही, तब शर्म आई होगी। तो नकली कोविड सेंटर बनाए, नकली। मैं इंदौर में कहूँ राधा स्वामी संतान 1000 बेड का कि कोविड सेंटर बनाए, लोग भर्ती नहीं हो रहे, सुविधाएं नहीं है, पकड़ पकड़ के घरों से ले जा रहे हैं, नहीं आपको भर्ती होना पड़ेगा। ये हालात है। आपके आस्था का कोविड सेंटर देख लीजिए, क्या सुविधाएं हैं वहाँ, लोग मरने थोड़ी जाएंगे वहाँ। ऑक्सीजन की सुविधा हो, बायोपेक हो, कौन सा आपका बायोपेक हो, कम से कम उतनी सुविधा तो हो। ब्रजेंद्र सिंह राठौर हमारे पूर्व मंत्री कोरोना से डेथ हुई, हमारी कला की धूलिया MLA की डेथ हुई, बागरी MLA भी मरे हैं। तो देखिए, दहशत का वातावरण तो पूरे प्रदेश और देश में है। कोरोना का संक्रमण का इतना भय है कि बड़ा मुश्किल होता आदमी को सर्वाइव करना। जब दो दो कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र के केंद्रीय मंत्री दो दो मर गए, कई सांसद मर गए, कई MLA मर गए, तो एक भय का वातावरण तो है। फिर भी हम जैसे लोग तो मौत की परवाह भी नहीं करते, अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। विरोध करना तो दमदारी से करना। भाजपा की नीतियों का इतना विरोध करने के बाद भी क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया कि खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहा? किसान आज इतने समय हो चुका है, अभी तक दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है MP से लेकर पूरे केंद्र तक, तो क्या विपक्ष बिल्कुल इतना कमजोर है कि विरोध भी नहीं कर पा रहा? जबकि बंगाल चुनाव में 5-10-11 मौतें होती तो BJP ने धरना प्रदर्शन किया था, एक शर्मनाक था, हम भी शर्मनाक कहते हैं, लेकिन क्या आप कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है विपक्ष के रूप में, तो क्या आप इतने कमजोर है कि विरोध भी नहीं दर्ज कर पा? अच्छा बताइए, मेरा कौन सा नेता नहीं गया किसान आंदोलन में? क्या प्रियंका गांधी नहीं गई? क्या राहुल गांधी नहीं गए? क्या दिग्विजय सिंह जी नहीं गए? कौन सा नेता है जो किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं गया? आप बताइए कौन सा जिला है जहाँ हमने आंदोलन नहीं किया किसानों के समर्थन में? मैं खुद हूँ मध्य प्रदेश में सबसे पहले ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में सज्जन वर्मा और सीहोर जिले के हमारे कांग्रेसी लोगों ने उसी की प्रेरणा लेकर पूरे प्रदेश में फिर बड़ी बड़ी ट्रैक्टर रैलियाँ निकली। आज मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ आपके अखबार और चैनल के सामने बोल रहा हूँ, रोज़ मेरा एक वीडियो आता है इनकी नीतियों के खिलाफ। कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन के समय हमारे पास यही हथियार है कि हम अपनी बातों को आम जनता तक पहुँचाएं, और BJP की जो कमियाँ हैं वो कमियाँ उजागर करके जनता को बताएं। नरेंद्र मोदी जाते हैं UP में, उनमें स्वर्णिम भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, वहाँ भाषण देते हैं चुनाव में। बिहार में चुनाव होता है, बिहार को गोद ले लेते हैं, वहाँ बोलते हैं भगवान बुद्ध के विचारों का बिहार बनाऊंगा, और अगली सभा में वहाँ बोली लगाते हैं, 80,000 करोड़ दूंगी, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ दूंगी, 1,25,00,000 करोड़। सबसे ज़्यादा दुर्गति बिहार और उत्तर प्रदेश की, जो नरेंद्र मोदी ने गोद लिए थे चुनाव के समय, वही चाल इन्हें बंगाल में चली। बंगाल के लोग समझ गए कि ये फ्रॉड आदमी है, भाषणवीर आदमी है, झूठ का पुलिंदा रख के चला जाएगा। जो हालत बिहार और उत्तर प्रदेश की बंगाल के लोगों ने देखी, मैं साधुवाद देता हूँ कि बहुत अकलमंद निर्णय भाजपा को पटकने देखी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।